थानाड़ी दे सत्कार श्रोते उते मनी पर मामला की है। मनी पर मामला ज्यों ज्यों सुरेंद्र जी इंटरनेट जड़ा रिलैक्स हो रहा त्यों त्यों होर वीडियो होर खुलासे आ रहे ने। कल 29 ते 30 तरीक नूं कांग्रेस ते जां होर पार्टियां दे 26 पार्टियां दे आगुआं ने जाना, शायद बहुत कुछ खुलासे होणगे। कुछ वीडियोज़ ने कुछ कई ने नैट च सांभ रखियां होणगियां, रिकॉर्डिंग्स होणगियां, ओ होर वायरल होणगियां नेतावां दे जरिए। सो इस सिलसिले दे विच भावें सीबीआई जांच शुरू हुई है पर अजे सीबीआई ने बहुता कुछ नहीं किया। पर एक होर वीडियो जिहदा पिछले दिन सदुद्दीन अवैसी ने एक टीवी चैनल ते जिक्र किया सी 6-7 दिन पहला, ओ वीडियो भी वायरल है जिस दे विच एक कुकी व्यक्ति का सिर कटिया होया ते उसका कटिया होया सिर एक पुलिस का मुलाजम जिहड़ा बीजेपी नेता का एमएलए का गनमैन है मतोई है वह लई जा रहा उसका वड्या होया सिर, बड़ा दिल हलाऊ वीडियो है। वह वीडियो सामने आया, ये वीडियो कोई फेक नहीं, इस वीडियो ते एफआईआर भी हो गई है। ये जिहड़ा सिर कट्टण वाला व्यक्ति है मणिपुर पुलिस का कमांडो है ते उसते दोष है ते फैमिली बोली है परिवार जिहड़ा पीड़ित है कि मारने वाले जिहड़े लोग ने उह साडी की जांच करनगे। 19 जुलाई नूं मणिपुर दे विच वीडियो वायरल होया सी जिस दे विच दो महिलावां दी भीड़ जिहड़ी उन्हां नूं नंगियां करके घुमारे सी दो लेडीज नूं, ते एक होर जिहड़ा मणिपुर दा वीडियो हरा है उस दे विच डेविड दा वीडियो है जिहड़ा कुकी भाईचार दा व्यक्ति है। इस वीडियो दे विच एक बांस ते उसका कटिया होया सिर लटक रहा ते उसका चेहरा फटिया ते अखां कुट कुट के बाहर कढ़ियां होईयां ने, लेकिन यह वीडियो बनाने वाले खुश ने, वह मतोई भाषा च हस हस के गल्लां कर लैंदे ने अपनी वहशत दियां। सो कटे हुए सिर जिहड़ा है वह 31 साल दे डेविड थीक दा जो कि कुकी नौजवान सी जो अपने पिंड की हिफाजत करता सी। इस मामले की छानबीन तो पता लग्या कि डेविड ते उसका परिवार कौन है। हौली हौली जिहड़ा मीडिया टीम ने वह चौड़ा चांदपुर पहुंचे ने जिथे रिलीफ कैंपां दे विच वीडियो दिखाया गया कि वीडियो किहदा हो सकता है। अखीर चूरा चांदपुर तो 5 किलोमीटर दूर एक रिलीफ कैंप तो इसका असली पता लभ्या कि यह व्यक्ति कौन है। वह डेविड थीक का परिवार है जो उस कैंप दे विच रह रहा। सो रिलीफ कैंप दे विच डेविड का जिहड़ा अंकल है बॉयन खॉबलेन ते उसकी आंटी है ललियानी ते उसके दोस्त ने मोईपुन, उन्होंने पुष्टि की है कि हां यह कटे हुए सिर का वीडियो डेविड थीक है। तो उसके अंकल कहते कि असी लोग चूड़ा चांदपुर के चिंगलंग मेल पिंड रेंदे सी ते 3 मई नूं हिंसा तो बाद ही बिश्नूपुर ते चूरा चांदपुर दे विच जिहड़ा बॉर्डर बन गया सी आपस दे विच। ते इस दौरान घाटी दे विच मतेई ते पहाड़ां ते कुकी लोकां ने अपने अपने बंकर बना लए सी। विलेज डिफेंस कमेटी बना के अपने अपने इलाके दी लोग सुरक्षा कर रहे सन। यह जिहड़ा डेविड थीक है जिसका सिर कटिया यह चिंगलंग मेल पिंड दी डिफेंस कमेटी का मैंबर सी। डेविड दे दोस्त 39 साल जिहड़े मोईपिन उस कैंप दे विच ने उन्होंने दस्या कि 2 जुलाई की सवेरे 4 बजे का वक्त सी, सूरज अजे निकलिया नहीं सी लेकिन उस इलाके च रोशनी पहला ही हो जाती है, सूरज जल्दी छिपदा ते जल्दी निकलदा नॉर्थ ईस्ट दे विच। चढ़दे सूरज की धरती इधर नूं जिवें न्यूजीलैंड जां होर मुल्क ने। सो मणिपुर दे विच तकरीबन 4:30 बजे के आस पास सूरज चढ़ जाता, सनराइज हो जाता। सो पिंड की विलेज डिफेंस कमेटी सी रात भर अपने पिंड की राखी करती रही गन ते हथियार लैके तां जो मतोई उन्हां सुत्ते पै लोकां ते पिंड वासियां ते कुकियां ते हमला ना करन। 4:30 बजे दे करीब वह थक टुट के डिग चुके सन। इस दौरान जिहड़ा डेविड थीक वलंटीयर सी वह सारी रात अपनी जिहड़ी उस कोल लाइसेंसी रैफल सी वह लैके रात भर बंकर दे विच तैनात रहा ते ज्यों ही सारे लोग रात की ड्यूटी करके भी हुण दिन चढ़ गया घरां नूं गए जिहड़े लोग सुत्ते सी उठ खड़े, मणिपुर पुलिस के कुछ कमांडो आए, इंडियन रिजर्व बटालियन जाने के IRB दी तकरीबन 20 गड्डियां उस पिंड दे विच दाखल होईयां। उन्हां दे नाल आराम भाई टंगोल जिहड़ी मतोईयां दी एक संस्था आ जिहदे उत्ते इस तरह के दंगियां दा दोष लगदा है ते दूसरी मतोई लिपन, यह दो जथेबंदियां दे लोक भी इन्हां 20 गड्डियां दे विच पुलिस IRB ते मणिपुर पुलिस कमांडो दे नाल सन। ते ओ आउंदे ही उन्होंने डेविड थीक नूं लभना शुरू कर दिता। वह चीख चीख के कह रहे थे कि सानूं दसो डेविड कित्थे है जिहड़ा वड्डा राखा बनिया होया तुहाडा जिहदे कोल राइफल है। सो आराम भाई टंगोल ते मिथुन लैपन जिहड़े इन्हां मतोई लोकां दी संस्था है हिंदुआं दी, इन्हां ने फिर उत्थे फायरिंग कीती ते घरां दी तोड़ फोड़ करन लगे। यह जिहड़ा इस मारे गए डेविड दा दोस्त आ मोईपन, इसने दस्सिया कि मैं घबरा गया ते जान बचाउण दे लई मैं झाड़ियां च जा छुपया, इन्ने दे विच ही रौला रप्पा पिया ते डेविड घरों बाहर निकलिया।
मतोई लोगों ने जदों उसनू वेख लिया तो उसनू फड़ लिया। पहला डेविड दी उन्होंने खूब वैश्यना तरीके नाल कुटमार की ते फिर उसके सिर च गोली मार दिती ते उसनू गड्डी थले दरड़ दरड़ के कुचल लिया गया। वह इन्ने नाल भी खुश नहीं होए, वह चीकां मार रहे सन, वह बहुत कुछ इस तरह के ललकारे मार रहे सन जिन्हां तों उन्हां दी वहशत जनतक हो रही सी। फिर उन्होंने उसके मरण तो बाद उसका सिर वढ लिया ते उसका सिर वढ़िया ते उसकी बॉडी नूं साड़न लगे। इस तों बाद डेविड का सिर उन्होंने नेड़े गड्डे एक बांस से लटका दिता, फिर उस गड्डे हुए बांस से उसके सिर का वीडियो बनाया ते वह लगातार हस रहे सन, चीख रहे सन, गालां कढ़ रहे सन कुकीज़ नूं नागा नूं। FIR दर्ज हुई लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 जुलाई की रात को यह वाकया, तो वैसे 2-3 मई का है, 2 जुलाई की रात को 10 बजे चूड़ा चांदपुर पुलिस स्टेशन दे विच 0 FIR दर्ज हुई। FIR दे विच आराम भाई टंगोल, मतोई लिपन, मणिपुर पुलिस के कमांडो IRB नूं दोषी बनाया गया। इंडियन पैनल कोड की धारा IPC की 302-25-1B के अधीन यह मुकदमा FIR 0 दे विच दर्ज होया। यह 0 FIR कोंबी पुलिस स्टेशन नूं ट्रांसफर कर दिती गई क्योंकि चिंगलंग मेल पिंड दे विच इस दे अंडर आउंदा सीगा जिस पिंड दे विच डेविड का कतल होया। डेविड का वीडियो वायरल हो चुका है लेकिन उस केस दे विच ना तां अजे तक कोई गिरफ्तारी हुई है ते ना छानबीन हुई है ते ना कोई स्टेट्स इस केस का की है, पुलिस ने कुछ नहीं दस्या। 2 जुलाई का यह वाकियत है जिस दिन यह घटना घटी है, मई का नहीं सॉरी, 2 जुलाई की रात को 10 बजे मतलब सवेरे घटना घटी ते 10 बजे के करीब यह FIR जिहड़ी आ उत्थे दर्ज हुई है। जिस दौरान मतलब यह हिंसा का एक लेटेस्ट नहीं, एक आम वर्तारा जो उत्थे वापर रहा। इस सिलसिले विच परिवार ने डरदिया फिर घर छड्ड दिता। हुण डेविड का दोस्त है जिहड़ा इह जिन्हें सारी जानकारी दी है, उसकी आंटी, उसके अंकल जां पिंड दे लोक जिहड़े ने चूरा चांदपुर दे रिलीफ कैंप दे विच रह रहे ने, उसके घर अते पिंड ते मतोई लोगों ने कब्जा कर रहा है। डेविड मारिया गया जो उसके अंकल दसते ने कि परिवार दे विच मैं ते उसकी आंटी ते उसके पिता ने। उसका पिता का नाम खुमा आया तो 65 साल का वह अपाहज है। हुण वह फैमिली दे विच अकला कमाउण वाला सीगा डेविड क्योंकि उसका पिता अपाहज सी, मां उसकी है नहीं सी। सो कोरोना तो पहला डेविड मुंबई के एक होटल दे विच वेटर सीगा जिहड़ा मारिया गया लेकिन उसकी नौकरी चली गई ते मौत इसनू शायद मणिपुर लै आई। उसते आउंदिया जदों हिंसा शुरू हुई ते फिर उसने बॉम्बे वापस जाण बारे सोचा लेकिन यह 3 मई नूं हिंसा शुरू हुई जिस दौरान इन्हां दी जिंदगी का सब कुछ बदल गया। वायरल वीडियो दे विच दोषियां दी आवाज है ते पुलिस दी आवाज ते पुलिस दीआं फोटोआं वी उसदे विच ने। डेविड दा कट्टिया होया सिर जिस व्यक्ति ने कट्टिया ओह व्यक्ति मणिपुर पुलिस दे विच कमांडो है ते मैरमबम रमेश मैंगिंग उसका नां आ। मैरिमम रमेश मैंगिंग उसका नां है। यह रमेश मैंगिंग मणिपुर के BJP विधायक शांति कुमार उर्फ सनासम प्रेमचंद सिंह का गार्ड दसया जाता है। 46 साल का यह शांति कुमार कुंभी सीट तो BJP का MLA है ते इस दा जिहड़ा सरकारी गनमैन है रमेश मैंगिंग, इसकी फोटो सोशल मीडिया से वायरल हुई सी जिस दे विच उसके एक हथ दे विच डेविड का सिर फड़िया होया ते एक हाथ दे विच शोरा लैके तुरिया जा रहा। यह उसने खाकी पैंट पाई है, बुलेट प्रूफ जैकेट पाई है ते हाथ दे विच शोरा आ, मोढ़े च उसने राइफल पाई है ते एक हाथ दे विच उसका जड़ा खब्बे हाथ दे विच उसका लटकदा होया सिर फड़िया होया उसका ते सज्जे हाथ दे विच उसने वह शोरा फड़िया जिसने उसका डेविड का गल कटिया। हादसे की वीडियो मौजूद है जिस दे विच दोषियों दी आवाजां नाल सुन रही ने। डेविड दे अंकल दा कहना कि सानू पुलिस जांच ते कोई भरोसा नहीं क्योंकि पुलिस दोषियों दे नाल है क्योंकि जदों कतल करन वाला खुद पुलिस दा मुलाजम है ते BJP दे MLA दा गनमैन है ते असीं किस तों जांच दी आस रखदे हां, किस पुलिस कोल जाके असीं स्टेट्स पुछिए कि साडा की बनिया। इस संबंधी कोई दूसरी एजेंसी शायद जांच करे तां सानू इंसाफ मिल सकदा है। हुण ना असीं पुलिस स्टेशन पुछण जांदे हां ना इस केस दे विच की होया जां की होएगा, सानू इंसाफ दी पूरा आस नहीं। सो डेविड दे अंकल बुआन खेन लेन ने यह दर्द अपना दस्या। सो इस दौरान जिहड़ी उत्थे सिक्योरिटी दे विच CRP दे अफसर ने उन्होंने ना ना लिखण दी शर्त ते मीडिया नूं दस्या कि पूरे पिंड दे विच जबरदस्त तबाही सी, सड़े हुए घर सी, लोक उत्थों भज चुके सी ते इस संबंधी अधिकारी ने उस जगह दे फोटो भी मीडिया नूं दिखाए जिथे यह घटना घटी है।
सिर्फ डेविड का केस नहीं, हन लाल मुन बफई नूं भी इस तरह कुटिया मारिया गया। डेविड की तरह 4 मई नूं 21 साल दे हंगलाल मोन नाम बफई की हत्या कर दिती। ए ग्रेजुएशन कर रहा पहला स्टूडेंट सी जिसकी इस घटना दे विच सब तो पहला हत्या हुंदी है। ए जिहड़ा ग्रेजुएशन कर रहा विद्यार्थी सीगा हंगलाल मुआन बफई इसका ना है, तो इसने सीएम ब्रेम सिंह के खिलाफ एक पोस्ट पाई सी। 30 अप्रैल नूं उसनूं अरेस्ट किया गया। मामले की दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस इस बफई नूं कोर्ट तो जेल लिजा रही सी। इस दौरान पुरमसम इलाके 800 के करीब मतोईयां की भीड़ ने उसनूं रोक लिया ते पुलिस की गड्डी दे विचों उसनूं खोह के उन्हां तों उन्हां दे राडां दे नाल डंडियां दे नाल ते लाइसेंसी राइफलां दे नाल उसकी कुटमार करके इस विद्यार्थी का कतल किया जो कुकी सीगा स्टूडेंट सी। सो भीड़ दे विच शामिल हर लोग गड्डी नूं चैक कर रहे सन। सो इन्हां ने पहलां पुलिस दे हथियार लुट्टे ते फिर बफई की मारकुट की उस विद्यार्थी। दोष है कि पुलिस वाले खुद नूं बचाउण दे लई उत्थों भज गए ते उस दिन पुरमटम पुलिस स्टेशन दे विच दंगे अते हत्या दी धरावां दे विच उस दिन दा केस दर्ज है। बफई चूरा चांदपुर जिले का रहने वाला सी। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबिक चूरा चांदपुर दे विच 27 अप्रैल तों तनाव वध गया सी। इत्थे कुकी जोमो कम्यूनिटी दे लोगां ने मुख्यमंत्री एन बरिंद सिंह दे खिलाफ प्रदर्शन कीता सी ते उन्हां ने बोजिम नूं जला दिता सी। जिसका जिम सीगा जिथे जिसका बरिंद सिंह ने उद्घाटन किया उस जिम नूं भी इन्होंने साड़ दिता सी। इस संबंधी 4 जून नूं इंफाल तो 17 किलोमीटर दूर मतोई पिंड दे विच मतोईयां दा पिंड सीगा फोंग, उत्थों दे भीड़ ने साबका सैनिक रमेश सिंह दा घर जला दिता सी। रमेश सिंह नूं डर सी कि कुकी उन्हां ते हमला कर सकदे ने क्योंकि रमेश सिंह हिंदू सीगा मतोई सीगा। सो इसलिए उसने लाइसेंसी गन रखी हुई सी तो पिंड दे विच गश्त करदा सी। जदों रमेश सिंह दे बेटे रॉबर्ट दे मुताबिक एक रात कुकी लोगों की भीड़ ने पिंड ते हमला किया, कई घर साड़ दिते, तां उस तो बाद फिर रमेश सिंह दे भी गोली मार दिती जिहड़ा साबका फौजी सी भारत दी फौज दा। हमलावर उसनूं उसे हालत विच घसीट के पहाड़ां ते लै के जाने के कुकी ते उन्हां ने इस मतोई हिंदू फौजी दा साबका फौजी दा कतल किया। अजे तक उसकी लाश नहीं मिली, उसके शरीर दे विच गोली लगी सी। सो यह पक्ष भी है कितें ना कितें मतोईयां दे नाल भी जुलम दीआं इक्कड़ दुक्कड़ घटनावां सुरेंद्र जी जनतक हो रही ने। सो इस दौरान तुसीं वेखो कि अजे कुछ नहीं हो रहा, उही ढाक दे तीन पत्त जी सुरेंद्र। परमिंदर देखो CBI कोल इनकुआरी चल गई आ, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई CBI कोल अजे तक दी, ए अपडेट आ। दूसरी गल इच कोई दो राय नहीं, जो इदा दी हालात बन दया ने जिदा जिथे जोर पैंदा ओह अपनी चलाउंदा। पर परमिंदर सूबा सरकार किथे आ, ए नौबत क्यों आई, सूबा सरकार बैठी किथे आ, ए नौबत आ गई ना। जे उथों दी पुलिस जेड़ी आ ओह भी इक खास तबके दा जेड़ी आ ओहदी सपोर्ट करन लग जाए ते परमिंदर फिर किथे जाके गल जेड़ी आ रुकदी। सो किते ना किते गलतियां तो